फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं संजीत बात करने वाला हूँ मारुति सुजुकी रेट कार के बारे में, जो डीजल कार है। और इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको दिखाते हैं। जब हम लोग ब्लोअर ऑन करते हैं तो उसमें से ब्लोअर से एक खड़खड़ की आवाज़ आती है अजीब तरीके की, तो वो नॉइज़ आपको सुनाते हैं कैसा नॉइज़ है। और उसको ब्लोअर को हम खोलने वाले हैं और देखते हैं उसमें क्या कचड़ा फंसा क्या है, जो कि ये आवाज़ ब्लोअर से आ रही। तो चलिए आपकी कार को की ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं आपको। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं स्टेयरिंग व्हील पे हूँ और ये है ब्लोअर का ऑप्शंस यहाँ पे 1 2 3 4। और अब इसकी मैं इग्निशन की ऑन करता हूँ। ये इग्निशन की ऑन कर दी मैंने और ये यहाँ से मैं अब इसका ब्लोअर ऑन करता हूँ। और ये देख पा रहे हैं इसमें एक प्रॉब्लम और है कि इसमें 1, ये जैसा कि देख रहे हैं आपने इग्निशन ऑन है और यहाँ पे 1 2 3 पे ये ब्लोअर हमारा नहीं चल रहा। और अभी 4 नंबर में मैं करूँगा और ये ब्लोअर चलने लगा। और जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये बहुत तेज़ी से आवाज़ कर रहा है। ये देखिए, अभी मैं बंद करता हूँ, ये देखिए बिल्कुल आवाज़ इसकी बंद हो गई। और फिर से इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए कितनी तेज़ी से इसका शोर हो रहा है। और दिखाते हैं इसका ब्लोअर राइट साइड में स्टेयरिंग के साइड में लगा रहता है, जो कि ये देखिए यहाँ पे इसका ब्लोअर लगा रहता है। ये है इसका ब्लोअर, ये सामने ब्लोअर लगा हुआ है। और अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो इसे खोलने के लिए अभी मुझे ये देख रहे हैं स्टेयरिंग का कॉलम जो लगा हुआ है, ये मुझे खोलना पड़ेगा और ये पैडल पूरा निकालना पड़ेगा इसका स्टेयरिंग का, तब जाके कहीं। ये देख पा रहे हैं पैडल खोलने के लिए, क्लच का जो पैडल है पूरा कंप्लीट असेंबली खोलने के लिए, ये कंप्लीट असेंबली हमको खोलनी पड़ेगी, तभी ये जा करके ब्लोअर निकलेगा इधर सामने से। तो चलिए इसको भी मैं खोलने जा रहा हूँ और फिर आपको खोलने के बाद दिखाता हूँ इसमें क्या कचड़ा है क्या निकलता है। तो चल हेलो फ्रेंड्स, तो हमने ये इसका पैडल देख पा रहे हैं आप लोग, मैंने इसको बाहर निकाल लिया है खोल के। और इसमें 3 बोर्ड लगे होते हैं, एक 12 mm का इधर और एक इधर और एक यहाँ पे ऊपर वाला लगा रहता है। देखिए यहाँ पे इसकी लोकेशन है, जो कि यहाँ पे बोर्ड लगे हुए थे इसमें। और ये मास्टर सिलेंडर है क्लच का यहाँ पर लगा हुआ है और ये हमारा ब्लोअर लगा हुआ है। अब इसको हम लोग खोल लेते हैं, इसमें 3-4 बोर्ड लगे हैं फेस से वो खोलने हैं हमें। चलिए इसको भी खोल के बाहर कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं फिर खोल के बाहर। और ये पैडल तो हमने खोल ही लिया इसका। तो फ्रेंड्स, हमने इसके सारे पेच खोल लिए हैं इस ब्लोअर के, और दिखाते हैं 1 2 और ये 3 पेच खुले हैं। एक और पेच है इसका, 3 पेज में निकले थे जो कि हमने खोले। और आपको दिखाते हैं ये यहाँ पर ब्लोअर लगा हुआ है इसका। और अभी एक दिखाता हूँ मैं आपको, ये यहाँ पे ब्लोअर है ये। और इसमें एक चीज़ का ध्यान देना पड़ता है, ये जो ब्लोअर है हमारा ये डायरेक्ट पेज का सा आप निकालेंगे डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसको दबा के और ऐसे घुमा के निकालना पड़ता है। ऐसे जो घुमा के निकालेंगे तभी निकलेगा, वरना निकलेगा नहीं और टूट भी जाएगा। तो इसको आपको ध्यान देना पड़ता है, ऐसे घुमा के फिर बाइक में निकालना है। तो ये है इसका ब्लोअर, और निकाल लेते हैं बाहर इसको। और ये देखिए हमने इसका ब्लोअर खोल लिया है, ये है मारुति सुजुकी रिच और इसका ये है ब्लोअर। और देखते हैं इसके अंदर क्या फंसा हुआ है, कचरा वगैरह कुछ भी। तो ये देखिए इसके अंदर की लोकेशन है और सामने एयर फिल्टर भी दिख रहा है ये। वहाँ पे ये लगा हुआ है। तो अभी इसको चेक करते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम है और क्यों आवाज़ कर रहा था। फ्रेंड्स, हमने ये ब्लोअर इसका खोल लिया है और जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें किसी प्रकार का अंदर कचरा तो नहीं था, लेकिन जो है इसमें ये मैंने इसको भी अलग कर लिया और कचरा तो निकला नहीं था, लेकिन इसमें ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये पिल्ले देख रहे हैं आप, ये
इसी वजह से ये ब्लोअर आवाज़ कर रहा था। इसकी बियरिंग जो अंदर की है वो कट गई है, तो अब हमें इसकी बियरिंग रिप्लेस करनी पड़ेगी, तभी ये जा कर के सही होगा, या फिर नया ब्लोअर डालें इसमें। तो अभी आपको इसकी नॉइज़ सुना देता हूँ मैं लगा करके, एक बार चेक कराता हूँ डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स, हमने इसका कपलर लगा दिया और ये देखिए, अब इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं आवाज़ इसकी। और बहुत ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है, और अब इसको न्यू रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई जुगाड़ तो है नहीं। बेयरिंग भी अगर चेंज करें तो वो शायद चल सकती, बेयरिंग ही चलेगी, क्योंकि इसको नया डालना पड़ेगा पूरा ब्लोअर कंप्लीट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और साइड में बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें।